ঠিকঠাক আছে লাইটটা? লাইটগুলো ঠিকঠাক করছে? অসুবিধা হচ্ছে না তো? রেডি? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास जो है होंडा सीबी 350 है। देखने में ये एक राइवल बाइक जैसा लग रहा है। मैं नाम तो नहीं कहूंगा क्योंकि नाम कह दिया ना तो दिक्कत आपसे ज़्यादा मुझे हो जाएगा, इसलिए मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। पर हाँ, आपको देखने से जिस बाइक का लग रहा है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बाइक जैसा है ये। पर चेंजेस में बहुत सारा है और ये जो है 350 सीसी के हिसाब से एक कंप्लीट नया डिज़ाइन है जो होंडा लेके आए हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी को लेके, होंडा सीवी 350। तो मैं हूं देव और आप देख रहे हैं एवरीथिंग एल्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जब आपको फ्रंट एंड दिखाते थे कि होंडा का अगर कोई भी बाइक आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एलईडी लाइट ही मिलने वाला है। उसके हिसाब से यहाँ पे भी एलईडी लाइट मिल जाएगा आपको। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो आपको जो है इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिल रहा है और इंडिकेटर भी आपको एलईडी ही आने वाला है। पर एक चीज़ मुझे अच्छा लगा देखने में कि देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो एलईडी नहीं है ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नॉर्मल जैसा DRL है वैसा ही जल रहा है। पर जैसे आप इंडिकेटर ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। तो मेरे हिसाब से ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप लोगों को जो है अपसाइड डाउन सस्पेंशन नहीं है, हाँ नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही है। पर ऊपर यहाँ पे कवर दिया गया है और कवर देने के बाद में इसका लुक जो है कुछ कुछ किसी किसी और बाइक जैसा जैसा लग रहा है। तो आप समझ जाओ किस बाइक के जैसा बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा मेटल का आपको फेंडर आने वाला है। साथ ही में फ्रंट पे जो है आपको एक 19 इंच का व्हील आने वाला है। और साथ बात करें, यहाँ पे आप डिस्क ब्रेक देख लीजिए भाई, एक 320mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है विथ एन ABS यूनिट सामने के लिए। अगर मैं पीछे बात करूँ, देखिए पीछे का टायर अगर आप देख लेंगे तो पीछे जो है, मैं बात कर दिखाई दूँ आपको, देखिए पीछे आ जाइए, पीछे देख लीजिए, पीछे आपको जो है 18 इंच का व्हील आने वाला है, मतलब एक साइज छोटा आने वाला है। साथ में पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और ये जो है 240 सेक्शन का डिस्क ब्रेक दिया हुआ। और कुल मिला के जो है यहाँ पे ना आपको डुअल डिस्क मिल जाएगा, मतलब डुअल चैनल ABS भी इसमें मिल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं इंजन को लेकर। देखिए यहाँ पे जो है आपको एक 350 cc का इंजन मिलने वाला है, जिससे जो है 20.7 bhp का पावर और 29.5 Nm का आपको टॉर्क भी मिल जाएगा। और ये पूरा चीज़ जो है एक 5-speed गियर के थ्रू आपके बाइक के रेयर व्हील पे आ जाएगा। अब मुझे जो एक चीज़ अच्छा लगा वो है कि भाई इसका जो नेचर है इस इंजन का, ये इंजन जो है बहुत ज़्यादा हाई रेव इंजन नहीं है। इसको है आप आराम से चलाइए, रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें क्योंकि होंडा का इंजन सबको पता है रिफाइनमेंट कितना ज़्यादा होता है। साथ में जो है सिटी में राइड करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ना ही इंजन ज़्यादा गर्म होने वाला है, आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाएगा इंजन को और आपको गर्मी भी नहीं लगेगा पैर में। साथ ही मैं बता दें, इस इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो है 9.5:1, मतलब समझ जाइए बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेशन इंजन नहीं है, मतलब वो KTM वाला कंप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी रिलैक्स राइडिंग मिल जाएगा आपको इसी इंजन से। और फ्यूल एफिशिएंसी का बात करें, देखिए 350 cc का इंजन से जितना मिल सकता है बिल्कुल उतना ही मिलेगा। हाँ, जितना दिया गया है और जितना बताया गया है उसके हिसाब से राइड जो है काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा क्रोम में जो है आपको एग्जॉस्ट मिलने वाला है, जो भाई मुझे तो देखने में काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा। और एग्जॉस्ट जो है पूरा क्रोम में आ रहा है तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए ऑल ब्लैक इंजन ब्लॉक है, साथ में यहाँ पे छोटा छोटा जो है आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा क्रोम का कवरिंग दिया गया है और हमारे पास ये जो कलर है ये मैट में आ रहा है। अभी जो है अगर आप CB350 ले रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है 3 आपको मैट ऑप्शन मिल जाएगा और 2 आपको ग्लॉसी वाला कलर मिल जाएगा। फिलहाल हमारे पास जो मैट कलर है इसे कहते हैं ड्यून ब्राउन कलर। तो ये कलर एकदम नया है और हमें भी देखने में ये काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही बता दें, ये जो वेरिएंट है हमारे पास ये है डीलक्स वाला वेरिएंट। इसको छोड़ के और आपको और एक वेरिएंट आ जाएगा जिसको कहते हैं डीलक्स प्रो वेरिएंट। अभी उसको लेके बात नहीं करते, जब वो वाला बाइक हमारे पास आ जाएगा तब उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बता देंगे भाई क्या है और क्या नहीं आता है। यहाँ पे जो फ्रेम इस्तेमाल किया गया है ना, वो एक डायमंड फ्रेम इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए आपको यहाँ पे देखेंगे आपको जो है सस्पेंशन दोनों तरफ दिया गया है। पीछे जो है आपको 2 सस्पेंशन यूनिट मिल जाएगा। साथ ही में अच्छा बात क्या है, देखिए सीट जो है आपको स्प्लिट सीट मिल रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और सीट का बात कर ले, देखिए राइडर के लिए जो सीट है काफ़ी वाइड है, आपके पिलियन के लिए जो सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड सीट मिल रहा है। और हाँ, यहाँ पे ग्रैब हैंडल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब जैसे मैं बताया था आपको कि भाई इस बाइक में LED मिल रहा है, तो देख लीजिए भाई पीछे भी आपको LED ही आ जाएगा और मैं ब्रेक लगाऊँ तो LED वाला फील प्रॉपर आ रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अभी मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूँ भाई बाइक में बैठ के भाई कितना फील आ रहा है, तो वो ही बता दूँ। देखिए अगर मैं बाइक पर बैठता हूँ ना तो मेरे लिए
काफ़ी अच्छा है, पोजीशन है बैठने के लिए, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें बैठने के, और मेरा पैर जो है प्रॉपर नीचे भी टच हो रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सीट हाइट का बात कर ले, देखिए 800 mm का जो है सीट हाइट मिल जाएगा आपको इसी बाइक के साथ। साथ में देखिए हैंडल का बात कर ले, देखिए यहाँ पे जो है एक सिंगल यूनिट हैंडल बार दिया गया है, और हैंडल बार का पोजीशन है काफ़ी थोड़ा सा रेज है और थोड़ा मेरे तरफ दिया गया है, इसे मुझे पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा ये पोस्चर है, अगर मैं साइड से आप आके दिखाएं ना, तो देख लीजिए जो फुट पैक जो है वो थोड़ा सा फ्रंट सेट है, तो इसीलिए जो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है लॉन्ग राइड के लिए भी, एटलीस्ट जैसा मुझे लग रहा है बैठ के, मैं वही बता रहा हूँ आपको। साथ में मिरर पे जो है यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे जो ब्रेक लीवर है वो थोड़ा सिल्वर टच का दिया गया है। अब जो है स्विच पैनल की बात नहीं करते भाई, पैनल जो है एकदम नया जैसा आ रहा है ना वही वाला है, तो क्वालिटी भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्रोम में मिल जा रहा है आपको जो है फ्यूल कैप, वो भी काफ़ी अच्छा है। और आ जाते हैं डिस्प्ले पे बात कर ले, देखिए डिस्प्ले जैसा नॉर्मल आ रहा था बिल्कुल वैसा ही है। ये आपका स्पीडोमीटर दिया हुआ है, अभी तक जो है टैकोमीटर नहीं आता इसमें, एक दे देते तो शायद अच्छा होता, पर डिजिटल कंसोल जो है वो भाई एकदम चिंटू मिंटू साइज़ का डिजिटल कंसोल दिया गया है, इसको थोड़ा और बड़ा करता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। साथ ही में जैसे मैंने बताया था ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा आपको, डुअल चैनल ABS भी दिया गया है इस बाइक के साथ। अभी बात करते हैं इस बाइक का जो प्राइस है, ये बाइक जो है जैसे मैंने बताया ये डीलक्स वाला वेरिएंट है, मतलब जो बेस वेरिएंट है CB350 का, ये वो वाला वेरिएंट है। इसका एक शोरूम प्राइस जो है कुछ 2 लाख रुपए का आता है। हाँ, 2 लाख रुपए में आपको ये शानदार सा देखने वाला बाइक मिल जाएगा, जो आप अपने घर में काफ़ी आराम से लेके जा पाओगे। और मेरे हिसाब से 2 लाख का प्राइस का बाइक जो है वो आपका ऑन रोड जो है वो कुछ 2,30,000 के अंदर आ जाएगा, मतलब 30,000 और लगेगा आपको, तो उसमें आपको जो है ये बाइक आप ले जा पाओगे। तो मेरे हिसाब से बाइक काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे लगा देखने में। और हाँ, मुझे अगर 350cc लेना है तो मैं ज़रूर एक बार इसको चेकआउट ज़रूर करूँगा। साथ में एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, देखिए यहाँ पर भी आपको एक USB पॉइंट मिल जाएगा, तो जिससे जो है आपको फ़ोन चार्ज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब अगर यहाँ पे आप एक फ़ोन हैंडल लगाते हो और आप फ़ोन देख के चलाना चाहते हो, तो वो भी आप काफ़ी आराम से कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये था मेरा फर्स्ट लुक रिव्यू होंडा CB350 के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो होंडा का नया बाइक लेने का सोच रहे और उनको अच्छी तरीके से बाइक देखने को अभी तक नहीं मिला, तो भाई मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा इसमें। तो अगर बाइक चलाए तो हेलमेट जरूर पहनिए, गाड़ी चलाए तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। चलिए सेफ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, थैंक यू।